जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कल एक बड़ी ही अप्रिय घटना घटी है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। राजौरी में थाना मंडी के पास नीली पोस्ट के ऊपर कल एक अधिकारी यानी 48 राष्ट्रीय राइफल के मेजर साहब ने अपने ही साथियों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। ये घटना जब घटी, जब ये रूटीन फायरिंग की प्रैक्टिस चल रही थी, उस दौरान ये घटना घटी और उसके बाद उस अधिकारी ने शस्त्रागार के अंदर शरण ले ली। अब काफ़ी लंबे समय तक उससे बातचीत करी, कोशिश की ताकि उसको समझाया जा सके, उस पर ओवर पावर की जाए, उसे काबू में लिया जाए, लेकिन वो काबू में नहीं आया और ये घटनाक्रम 8 घंटे कंटिन्यू रहा। इसकी इंटेंसिटी को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पर ग्रेनेड भी थे, सारा सामान था, हथियारें थे तरह तरह के, तो सेना ने नज़दीकी एक गांव को भी खाली करा दिया सुरक्षा के लिहाज से। जब कमांडिंग ऑफिसर, डिप्टी और मेडिकल ऑफिसर जब उस अधिकारी के पास गए, कोशिश की उसको समझाने की, तो उसने अधिकारी ने उनके ऊपर हैंड ग्रेनेड से फायर कर दिया, जिससे वो तीनों अधिकारी घायल हो गए। इस घटना में 3 अधिकारी और 5 जवान बुरी तरह से घायल हैं। सेकेंड इन कमांड 2IC की हालत गंभीर बनी हुई है। रात को 11 बजे 8 घंटे के बाद उस मेजर साहब पर काबू पाया गया। ये बड़ी ही दुखद घटना है जहां एक सेना का अधिकारी अपने ही साथियों के ऊपर इस तरीके से फायर करता है और वो शस्त्रागार में घुस जाता है। 8 घंटे लग जाते हैं उसको काबू पाने में। दोस्तों भटिंडा के बाद ये दूसरी ऐसी घटना है। क्या कारण है, क्या मानसिक तनाव है, ड्यूटी का वर्डन है, क्या वजह है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस तरह की घटना, इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इसके लिए इस तरह की घटनाओं की स्टडी करके कदम उठाने चाहिए। इस घटना में जो अधिकारी और जवान घायल हुए हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सकुशल ठीक हो जाए। ये थी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में, जो राजौरी के अंदर एक घटना घटी है उसके बारे में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।